my beloved friends, how are you? मेरे प्रिय दोस्त आप कैसे हैं? I know that you'll be very very busy. मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं. Especially your children are going to colleges and schools. खास तौर से क्योंकि आपके बच्चे कॉलेज और स्कूल जाते हैं. As quarterly exam is so near. Quarterly exams भी बहुत पास आ चुके हैं. They'll be very busy. वो बहुत ही व्यस्त होंगे. Nowadays education is not so easy. आजकल शिक्षाएं बहुत आसान नहीं होती. Not like in our time. हमारे समय की तरह नहीं है. Look at every of our grandchildren and children. हमारे पोतों पोती और उनके बच्चों को हम देखें. They're very busy in computers and various kinds of notes and their homeworks and so on. वो बहुत ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, कंप्यूटरों में, नोट्स में और कई और चीजों में. और इंडिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स आर गोइंग हायर एंड हायर. हमारे इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा और ऊंचा जा रहा है. थैंक द लॉर्ड फॉर दैट. हम परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए करते Today हैं. Also, आज भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विजडम. हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे. हाउ टू गेट विजडम. बुद्धि किस तरह से मिलती है. द बाइबल सेज. बाइबल कहता है. अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द इनसाइट ऑफ द रियल गॉड इज द नॉलेज. कि सच्चे परमेश्वर के बारे में समझना और उसके बारे में ज्ञान रखना वही सच्चा ज्ञान है. So here I'm going to speak about what God has revealed to me. इसलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया. From him wisdom and knowledge starts from. कि उससे ही बुद्धि और ज्ञान शुरू होता है. He is the source of wisdom and knowledge. वही बुद्धि और ज्ञान का सूत्र है. The Bible says in Ecclesiastes chapter 10 verse 10. सबोपदेशक 10 के 10 में बाइबल कहता है. For everything man needs wisdom. हर चीज के लिए मनुष्य को बुद्धि की जरूरत है. For everything. हर चीज के लिए. Even to lead a family. एक परिवार चलाने के लिए भी. A husband needs wisdom. एक पति को बुद्धि की जरूरत है. Even to make the house to be built, the wife need the wisdom. एक घर बनाने के लिए पत्नी को बुद्धि की जरूरत है. In job you need a wisdom. नौकरी को करने के लिए बुद्धि चाहिए. In your studies, you need wisdom. आपकी पढ़ाई में आपको बुद्धि चाहिए. If you want elevation in your profession, you need wisdom. अपने नौकरी में तरक्की करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए. Wisdom have no end. बुद्धि की कोई सीमा या अंत नहीं. In Tamil, we used to tell a proverb. तमिल में कहावत इस प्रकार से है. What we studied is a drop in the ocean. जो हमने सीखा है समुद्र में बूंद के समान है. But what we have to study like a seven oceans. और जो हमें सीखना है वो सात समुंदर के समान है. My age is 63. मेरी उम्र 63 साल की है. Do you know something? क्या आप जानते हैं? Still I am studying. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. I want to do another PhD. मुझे एक और PhD करने की इच्छा है. I want to finish seven doctorate degree. मैं सात डॉक्टरेट की डिग्री खत्म करना चाहता हूँ. Earning wisdom never have time. बुद्धि सीखने के लिए पाने के लिए समय पर्याप्त नहीं है. If you go to foreign country, अगर आप विदेशों में जाएंगे, there you can see in the college. वहाँ पे कॉलेजों में आप देखेंगे, grandpa and the son and grandson and even the great granddaughter will go to the same college. एक ही कॉलेज में दादा, बेटा, पोता और यहाँ तक कि पोते की बेटी भी कॉलेज में जाएगी. And one day my friend was asking, एक दिन मेरे दोस्त मुझसे इस प्रकार से पूछ रहे थे, Don't you put a full stop for your studies? क्या तुम अपने शिक्षा या सीखने के लिए विराम नहीं लगाते? He said, no. उसने कहा नहीं. Until the heaven called me, I will continue to study. जब तक स्वर्ग मुझे बुला नहीं लेता मैं शिक्षा प्राप्त करता रहूंगा. See his willingness. उसकी इच्छा को देखो. When I was young, जब मैं छोटा था, I used to study well. मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था. Because we have no property. क्योंकि हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी. No father, mother, no brother, sister. माता पिता भाई बहन नहीं थे. So I had to be wise for myself. इसलिए मुझे अपने आप के लिए बुद्धिमान होना जरूरी था. The proverb says in chapter 9. नीति वचन 9 में इस प्रकार से लिखा है. 11-13. 11-13 में. If you are wise, you are wise for yourself. अगर आप बुद्धिमान हो तो अपने आप के लिए बुद्धिमान हो. So when your parents are asking to study, जब आपके माता पिता पढ़ने के लिए बोलते हैं, it's not for your parents. ये सिर्फ आपके माता पिता के लिए नहीं. It's for you. ये आपके लिए है. It's for the young world. ये आपके जवान जीवन के लिए है. Young girls and young boys have to study.
इसलिए जवान लड़कों जवान लड़कियों को सीखना है. But when I was studying, इसलिए जब मैं सीख रहा था, by God's grace, I had double promotion. परमेश्वर के दया से मुझे डबल प्रमोशन मिला. I hadn't studied fourth standard. मैंने कक्षा चार पूरा नहीं किया. And seventh standard. और ना ही सातवीं कक्षा. I stood first in matriculation. मैट्रिकुलेशन में मैं फर्स्ट आया. But I finished the school level by age of 14. जब मैं 14 साल का था, मैंने अपने स्कूल खत्म कर लिए. So I want to join the college. अब मैं कॉलेज जाना चाहता था. But that time. मगर उस समय. Only at the age of 16 you can join the college. सिर्फ 16 साल की उम्र में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे. So I had to go to the garden for gardening. इसलिए मुझे गार्डन में जाके गार्डनिंग का काम करना पड़ा. But when I reached the arts college, जब मैं आर्ट्स कॉलेज पहुंचा, the principal said, प्रिंसिपल इस प्रकार से कहा, why you make this bright student to join the arts college? कि आप इतने अच्छे बुद्धिमान बच्चे को आर्ट्स कॉलेज क्यों ज्वाइन करा रहे हो? I will write a recommendation letter for him. मैं इसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा. To study MBBS. ताकि वो MBBS सीख सके. But my cruel boarding wardens never allow me to study MBBS. मगर मेरे अनाथालय के लोगों ने वहाँ पे पढ़ने की अनुमति मुझे नहीं दी. So frustration, depression, engulf my heart. निराशा और असंभवता ने मेरे दिल को जकड़ लिया. So I want to kill myself. अब मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था. Then Jesus entered in my life. मगर यीशु मेरे जीवन के अंदर आया. He intervened. उसने हस्तक्षेप किया. In my pain. मेरे दर्द के बीच में. And he told me. और उसने इस प्रकार से कहा. My son. मेरे बेटे. Get out of this cruel boarding. इस अनाथालय में से तू निकल जा. I will make you to study. अब मैं तुझे सिखाऊंगा. I will give you so many degrees. अब मैं तुझे कई डिग्रियां दूंगा. So many doctorate degree. और कई डॉक्टरेट की डिग्रियां दूंगा. Do not worry. चिंता ना कर. Until I call you back to heaven. जब तक मैं तुझे स्वर्ग में वापस बुला नहीं लेता. You will go on study. तुम पढ़ते ही रहोगे. Our God. हमारा परमेश्वर. Is the God of abundant wisdom. बुद्धि उसके पास बहुतायत से है. The Bible says in Jeremiah chapter 10. यरमिया 10वें अध्याय verse 6 छठे पद में and Proverbs chapter 3:9 और निर्गमन 6 के 9 by wisdom he created the whole universe. इस प्रकार से कहता है कि मेरी बुद्धि ने पूरे संसार को बनाया. I have no time to explain about his creation. उसके सृष्टि के बारे में समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास. His creation is so superb. उसका सृष्टि बहुत ही बड़ा है. Can't be even enter into our brain. वो हमारे दिमाग के अंदर घुस भी नहीं सकता. Tiny brain. हमारे छोटे से दिमाग के अंदर. For example. उदाहरण के लिए. Job 38. अय्यूब 38. Verse 5 and 6 says. 5 और 6 इस प्रकार से कहता है. When God put the foundation for the earth. पृथ्वी के लिए जब परमेश्वर ने नींव डाली. The morning stars were sing together. भोर के तारे एक साथ गीत गाते थे. They sang a song. उन्होंने गीत गाया. And they praise God. और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति. Can the earth can sing song for God? क्या पृथ्वी परमेश्वर के लिए गीत गा सकती है? And the rocks can sing a song? क्या पत्थर चट्टान गीत गा सकते हैं? Can a planet can sing a song? क्या कोई ग्रह गीत गा सकता है? After my second death. मेरी दूसरी मृत्यु के बाद. At the age of 32. 32 साल की उम्र में. Jesus took my soul. यीशु मेरे आत्मा को ले गया. The soul have knowledge. आत्मा में ज्ञान है. Proverbs 19:2. नीति वचन 19:2. And the soul will go up. और आत्मा ऊपर जाती है. Ecclesiastes chapter 3:21. सबोबतेश्य 3:21. No animals have soul. किसी जानवर के पास आत्मा नहीं. Only human beings have a soul. सिर्फ मनुष्य के पास आत्मा है. So after death. इसलिए मृत्यु के बाद. Your body have no effect. आपके शरीर में कोई असर नहीं. According to Solomon said in Ecclesiastes. जैसे सुलेमान ने सबोपदेशक में कहा. But. मगर. Your soul have knowledge. मगर आपके आत्मा के अंदर ज्ञान है. Luke chapter 16. लूका 16 अध्याय. 19 to last. 19 से आखिरी तक. The soul can understand. आपकी आत्मा समझ सकती है. So it took me to sun first. इसलिए वो मुझे पहले सूरज में लेके गया. The sun is 3 lakh times bigger than the earth. सूरज पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा है. The highest temperature of the sun is 2 crores centigrade. और उसका तापमान 2 करोड़ डिग्री तक है. The fiery ocean of the sun depth is
more than 639,000 miles. सूरज वो आग का समंदर तकरीबन 629,000 मील गहरा है. Whereas Pacific Ocean only 14 miles. जबकि प्रशांत महासागर सिर्फ 14 मील का है. The tsunami waves of the sun can go up to the height of 150,000 miles. सूरज में सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो 150,000 मील ऊंची जा सकती हैं. But the tsunami of the sea, what we are seeing, can go on up to 16 miles only. मगर हमारे सागर में जो सुनामी आती है वो सिर्फ 16 मील तक जा सकती हैं. And Jesus और यीशु walked over the waters. पानी के ऊपर चला. Not waters of water. सिर्फ जमीन के पानी के ऊपर नहीं. But he walked over the larva of fire. मगर आग के दरिये के ऊपर भी वो चला. Then he took me to another star. उसके बाद वो मुझे एक और तारे में ले गया. The star is 1 billion times bigger than the sun. और वो सूरज से 10 करोड़ गुना बड़ा था. In this star, the water and the fire run together. और इस तारे में पानी और आग एक साथ बहते थे. And they were singing song. और वहाँ पे वो गीत गा रहे थे. Somebody playing the guitar and sing song. वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था. So then the Lord remind me about Job 38:5. उसके बाद परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया आयुब 38 के 5 को. Some stars full of diamonds. कुछ तारे बिल्कुल हीरो से बने हुए. Some stars full of iron. कुछ लोहे से भरा हुआ. Some stars full of gold. कुछ सोने से भरा हुआ. This I never knew now. अभी मुझे ये सब नहीं मालूम था. At the age of 32 itself God revealed to me. मगर 32 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे ये बता के दिया. There are 6 trillion into trillion galaxies so far found by the man. 60 अरब गुना 10 अरब आकाश गंगा मनुष्य के द्वारा खोजी गई है. Millions of galaxies still are being formed by the breath of the nostril of God. लाखों आकाश गंगाएं अभी भी परमेश्वर के श्वास के द्वारा बनाई जा रही हैं. Psalm 33 verse 6. भजन संहिता 33:6. So how he control all these things? इन सब को वो किस तरह से नियंत्रित करता है? The earth moves towards the sun with a speed of 1 lakh kilometers per hour. 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज पृथ्वी की तरफ आता है. The sun also moving. सूरज भी घूम रहा है. Then just imagine. सोच के देखिए. Can a human being can control that? क्या एक मनुष्य उसको नियंत्रित कर सकता है? Can your computer knowledge can control? या आपका कंप्यूटर का ज्ञान उसको नियंत्रित कर सकता है? Can any creation like animals or plants or hermits or saints can control? क्या कोई भी सृष्टि जानवर हो मनुष्य हो संत हो क्या कोई भी उसको नियंत्रित कर सकता है? All these planets and stars and galaxies are really hanging in the air. ये सारे ग्रह आकाश गंगाएं तारे ये सब हवा में लटके हुए हैं. In millions and millions of years. लाखों करोड़ों सालों में. Who is behind them? इन सब के पीछे कौन है? Who is controlling them? इनको नियंत्रित कौन करता है? It's revolving itself for more than 5 million years. ये अपने ही ध्रुव में पिछले 50 साल लाख से अपने आप घूमता आ रहा है. Having no repair. बिना किसी रिपेयरिंग के. Having no stopover. यहीं नहीं बिना रुके. Instead of studying all the unwanted books and story books and myths and all sorts of cartoons, useless cartoons, please browse your mind into this superb creation. और कृपया बेकार की फालतू किताबें कहानियों की या छोटे मोटी किस्सों की या इधर उधर की किताबों के पढ़ने के बजाय इन पर आप ध्यान लगाने की कृपा करें. It's marvelous. ये बहुत ही अद्भुत है. It's marvelous. ये बहुत ही अद्भुत है. Look at your nose and eyes. अपनी आंखों और नाक की तरफ देखें. Are you taking your breath in by your knowledge? क्या आप अपने ज्ञान की वजह से सांस अंदर लेते हैं? Are you breathe out with your sense? क्या आप अपनी समझ से सांस बाहर निकालते हैं?
No. Ledu. It's automatic. Nahi, ye apne aap se hota hai. That's why we said the breath of a man is in the hands of God. Isliye hum kehte hain ki manushya ki saans parmeshwar ke haath mein hai. Before you winkle your eye. Isse pehle ki aap apni palke jhapkaye. 100 million cells are talking together and command, okay, now your brow can winkle. करोड़ों सेल आपके अणु एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हाँ पलके झपका सकते हैं। In nano seconds, बहुत ही क्षण भर में। Who do all these things? ये सब कौन करता है? That's why Paul says. इसीलिए पॉलस कहता है। Nobody can fathom his wisdom. उसकी बुद्धि को कोई समझ नहीं सकता। Now come to the point. आइए विषय पर आएं। The Bible says. बाइबल कहता है। In Genesis chapter 127. उत्पत्ति 127 Genesis 5:1 उत्पत्ति 1 के 5 में We all have been created according to the image of God. आप सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. Image of God. परमेश्वर के स्वरूप में. Image of God. परमेश्वर के स्वरूप में. This is very very important. ये बहुत ही जरूरी बात. So the attitudes and characters and all the good things of God is also indwell in us. इसलिए परमेश्वर की मानसिकता चरित्र ये सारी बातें हमारे अंदर होती हैं। As God is wisest, जैसे परमेश्वर बुद्धिमान है, we can also become like wise people. इसलिए हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। We have to ask for that. हमें उसके लिए पूछना पड़ता है। That's what James said today. वही याकूब ने हमसे कहा है। If anybody lack wisdom, किसी के पास अगर बुद्धि की कमी हो, let him ask the wisdom from God. वो बुद्धि के लिए परमेश्वर से पूछे। We have to ask. हमें पूछना है। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Oh Heavenly Father, have compassion upon my friends. हे स्वर्गीय पिता, हमारे दोस्तों पर आप दया करें। Please open the spiritual eyes. उनके आत्मिक आँखों को खोल दें। To understand the greatness of the real God. ताकि वो उस महान परमेश्वर के महानता के बारे में समझ सकें। Let them understand about the truth. उनको सच्चाई जानने में मदद कर। But not the vain beliefs and mythical stories and so on. ना कि सिर्फ मिथ्या कहानियाँ और ऐसी बातें जो दुनिया में सुनने को मिलती हैं। Whomsoever want to see you, Master Lord Jesus. जो कोई आपको देखना चाहता है मेरे पिता। Please give them a chance. उनको एक मौका दे मेरे प्रभु यीशु। You're so merciful and graceful. आप बहुत दयालु और करुणामय हैं। You promise when we seek you diligently, you promise that you will appear unto them. आपने वचन दिया है कि जब भी हम सच्चे मन से आपको खोजेंगे आप हमारे लिए प्रकट होंगे। As thou hast opened our spiritual eyes, जैसे आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली हैं, our eyes, हमारी आंखें, please open our beloved friends' eyes, हमारे दोस्तों को भी आंखें आप खोल दें। I know many wants to see you. मैं जानता हूँ कि कई आपसे मिलना या देखना चाहते हैं। Many wants to have a touch with you. कई आपको छूना चाहते हैं। You're not the garden who hides you. ऐसा परमेश्वर आप नहीं है जो छुप के बैठता है। प्लीज कृपया आप ये हमारे सामने प्रकट हुए। राइट नाउ लॉर्ड जीसस, आई एम सीइंग अ पर्सन कॉल्ड अर्जुन। अभी इस वक्त मैं एक अर्जुन नाम के शख्स को देखता हूँ। अर्जुन हैव फिनिश्ड द कॉलेज। अर्जुन का कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई है। बट नो जॉब नो फ्रेंड्स। मगर उसकी कोई नौकरी नहीं कोई दोस्त नहीं। ही सीम टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड सिटिंग ऑन अ लोनली प्लेस। वो बहुत ही निराश एक जगह कोने में बैठा प्रतीत होता है। As he watched this TV, जैसे वो टीवी को देखता है। Appear and strengthen him, हे प्रभु उसको सुदृढ़ कर। And give him a job, उसको नौकरी प्रदान कर। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु। I am seeing another young lady, दूसरी एक जवान औरत को मैं देखता हूँ। सुश्रुता, सुश्रुता। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु। She is with a child weeping. वो अपने बच्चे के साथ रोती है। Her child's heart is very weak. उस बच्चे का हृदय बहुत कमजोर है। 90% fail. 90% पूरा फेल हो चुका है। Touch and heal her. उस बच्चे को छू ले। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु। I am seeing another person called Pinto. मैं दूसरे व्यक्ति पिंटो को देखता हूँ। Lord, हे प्रभु, touch him and guide him. उसको छू ले और उसको अगुवाई कर। He is the head of the many many institutions. वो कई institutions का head है। But something happens in his body. मगर उसके शरीर में कुछ होता है। Especially there's a liver problem. खासतौर से liver में उसके problem है। He is very serious. वो बहुत ही गंभीर है। Touch him and heal him. उसको छू ले और उसको चंगा कर। Master, हे प्रभु, compassion upon Chandrasekharan. चंद्रशेखर पर तो दया कर।
He's writing a promotion exam. वो एक promotion exam लिखते हैं. Encourage him. उनको उत्साहित करें. Make him pass and get promotion. होने पाए कि उत्तीर्ण हो और वो promotion को प्राप्त करें. Many servants of God. कई परमेश्वर तेरे सेवक. Wants to see you, master. आपको देखना चाहते हैं. Touch them. उनको छू लें. Comfort them. उनको सांत्वना दे. Console them. उनको सांत्वना दे. And make them to see you. और होने पाए कि वो आपको देखने पाए. In Jesus name, yes. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. Amen. I am seeing each and every person. मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को देखता हूँ. Diligently seek God. जो ईमानदारी से परमेश्वर की खोज में है. Then you will see the true God. क्या आप सच्चे परमेश्वर को देख पाते हैं? The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. One sight of God. एक दर्शन परमेश्वर का. Will give you enormous knowledge and wisdom. आपके जीवन में ढेर सारा ज्ञान और बुद्धि लेके आता है. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Write to us or call us. हमें लिखे, हमें बुलाए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen. आमीन. विशाखापट्टनम में 2014 को रखे गए सहभागियों के बैठक में जब हम मिले तब मेरी पत्नी एक महीने की गर्भवती थी। मैंने मेरी पत्नी के सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना करवाया। उसी चलते फरवरी के महीने 2015 में बेटी जन्म हुई। चाहे कितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ा तभी भी प्रभु ने अपनी कृपा से बच्ची को कोई अपाय होने नहीं दिया। अभी एक साल हो चुके हैं, उसके स्वास्थ्य में कोई भी बदलाव नहीं। इस गवाही के द्वारा प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। सिस्टर हेमलता, प्रभु की महिमा हो। मैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैंने सुभवार्ता चैनल में डॉक्टर आनंद सिरा जी का प्रोग्राम को देखकर मेरा शादी तय नहीं हो रहा करके मैंने डॉक्टर आनंद सिरा जी को मेल भेजा। उनके प्रतिस्पंदन आने के कुछ 15 दिन में ही प्रभु ने मेरे प्रति आश्चर्य कार्य करके मेरे विवाह के तारीख को तय कर दिया। अब मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आई हूँ। प्रभु की स्तुति और आराधना हो। पास्टर रवि कुमार, यह एक कलिशा चलाते हैं, जहाँ पर भी डॉक्टर आनंद सिरा जी का मीटिंग हो वहाँ हाजिर होकर प्रभु की संदेश सुनते हैं। एक दिन इसी तरह वे बैठक में आए और बहुत निराशित थे कि प्रभु उनसे बात करे और 9 पवित्र आत्मा के वरदान का फल उन्हें मिले। इस दौरान जब प्रार्थना शुरू हुई प्रभु ने उन्हें अपने दास के द्वारा नाम लेकर पुकारा और कहा, रवि कुमार, I'm anointing with the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं तुझे पवित्र आत्मा का वरदान से आशीष करता हूँ। इस आशीष को प्राप्त कर। जब वो नाम लेकर पुकारने लगे उनमें एक शक्ति प्रवाहित हुई। रात भर वो सो नहीं पाए। उन्हें इतनी खुशी और आनंद पहले जो 7 वरदानों में नहीं मिली वो परिपूर्ण 9 वरदान पाकर उन्हें प्रभु ने आशीष किया। प्रभु की स्तुति हो।